चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हेल्पलाइन से लोगों से सीधे संवाद किया है। और आज के समय में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये हेल्पलाइन वरदान से कम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेल्पलाइन पर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान निकालते हैं। हाल ही में शिकायतकर्ता नवीन माथुर के पिता को पैरालिसिस अटैक आने के बारे में उन्होंने साझा की अपनी बात और उनकी पेंशन नहीं बढ़ने की समस्या सीधे मुख्यमंत्री से बताई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी समस्या के समाधान के लिए एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए, साथ ही मानवता के नाते उनके पिता को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी तरह सुनैना नाम की युवती ने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्कॉलरशिप से संबंधित समस्या बताई थी। सीएम ने युवती की स्कॉलरशिप की समस्या का निराकरण करने के निर्देश इंजीनियरिंग कॉलेज के विभाग को दिए। इसके बाद सीएम ने दोनों को कॉल पर स्मार्ट सिटी दफ्तर भी बुलाया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे बात की शिकायतकर्ता से। अच्छा, तो सडनली मैंने चेकिंग करने का काम किया है और दो शिकायतकर्ताओं से मैंने सीधे बात की है। उसमें एक शिकायतकर्ता से जो बात की तो उनने अपनी छात्रवृत्ति की परेशानी बताई कि छात्रवृत्ति मिल जाए, तो मैंने उसको संज्ञान में ले लिया है, उनकी छात्रवृत्ति हम दिलाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रवृत्ति की लेकर के बात की। दूसरा एक विषय है कि साइबर के माध्यम से उनका अकाउंट हैक हुआ है, तो हैक को लेकर के पुलिस से वो मदद चाह रहे थे। उनकी मदद के लिए भी मैंने एसपी को बताया कि इनके संबंध में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ है, पेंशन की राशि के आधार पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ी कठिनाई है, कुछ मदद करना चाहिए। तो मैंने अपने सीएम फंड से उनके लिए 1,00,000 की राशि भी मंजूर की है ताकि उनका अपना गुजारा ठीक से हो सके। ये मेरे चेक करने का मतलब ये है कि जो सीएम हेल्पलाइन है इसको प्रभावी करना, जिनकी कठिनाई है उनको कठिनाई में मदद करना। तो वही इंदौर में